सेल को दो तरीके से पढ़ने की कोशिश की। एक तो हम लोगों ने पढ़ने की कोशिश की प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरी सेल पढ़ने की कोशिश की यूकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक सेल को हम लोगों ने चार या पांच हेडिंग में पढ़ा। पहली हेडिंग थी सेल एनवेलप। तो देखने की कोशिश करिए कि क्या सिमिलरिटीज हैं आपस में। फिर हम साइटोप्लाज्म में गए और उसके अंदर हमने राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडीज पढ़े। और हमने कहा प्रोकैरियोटिक सेल खत्म हो गई। सेल एनवेलप में हमने तीन चीजें पढ़ी, याद है? हमने पढ़ा ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बहुत प्लान स्टडी है एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी आपको कभी बेवकूफ नहीं बनाती, बहुत प्लान तरीके से पढ़ाते। उन्होंने कहा कि सेल के अंदर घुसो, सबसे पहले तीन लेयर मिलेंगी। बोलो कौन कौन सी? ग्लाइकोकैलिक्स, नाम क्या है? सेल एनवेलप। उसके अंदर घुसो, क्या मिलेगा? साइटोप्लाज्म, जिसमें न्यूक्लियस विल फॉर्म। उनमें मिलेंगी इंक्लूजन, उनमें मिलेंगे राइबो। बस बोले इतना पढ़ लो, प्रोकैरियोटिक सेल हो गई। और अब इतने प्लान से वो आपको यूकैरियोट की तरफ लेके चलते हैं कि आप समझ ही नहीं पा रहे हो क्या रहा है। वो कहते हैं यूकैरियोट में जाओगे तो भी आपको पहले बाहर दो लेयर मिलेंगी। यस, अगर प्लांट होगा तो। अगर तो बताओ क्या मिलेगी? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। यस, सेल मेम्ब्रेन मिलेगी। पर उन्होंने पहले बेटा क्या पढ़ाई? सेल वॉल की सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सेल मेम्ब्रेन ही क्या सिक्रीट करेगी? सेल वॉल। और अब बुक इतनी अवेयर है कि अगर बच्चा सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन पढ़ चुका है तो अब वो सेल के अंदर घुसेगा और सेल के अंदर उसे मिलेगा न्यूक्लियस। क्या मिलेगा? न्यूक्लियस। और जो होगा मेम्ब्रेनस। बोलो क्या? मेम्ब्रेनस। और इसके अलावा मिलेंगे सेल ऑर्गेनेल। बोलो क्या नाम? और बुक ने अपने आप में ये डिसाइड किया है कि पहले वो क्या पढ़ाएगी, फिर क्या पढ़ाएगी? न्यूक्लियस। और उन्हें मालूम है कि जब यूकैरियोटिक सेल में घुसोगे तो सेल ऑर्गेनेल दो प्रकार के, एक कैसे? मेम्ब्रेनस। कैसे? बोलो। मेम्ब्रेनस। और एक कैसे? नॉन। तो मेरे बच्चों कोई भी चीज जबरदस्ती हैफजन में पढ़नी ही नहीं। सर हम प्रोकैरियोटिक सेल पूरा पढ़ चुके हैं, हमारी जेब में। सर हम यूकैरियोटिक सेल को पढ़ रहे हैं, दो चीजें पढ़ चुके हैं। बोलो क्या क्या? सेल वॉल, सेल। अब सर हम एंट्री लेते हैं कहां पर? साइटोप्लाज्म। और क्या पढ़ते हैं? सेल ऑर्गेनेल। कितने प्रकार के? एक कौन? मेम्ब्रेनस। दूसरा? और मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल में उन्होंने आपको एक सिस्टम पढ़ाया है, क्या नाम है? एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम। तो मैं आपको मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल के बारे में सबसे पहले पढ़ाना चाहता हूं। तो पहले तो आप मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल लिखते ही समझ जाइए कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है कि यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल। और एक बात, मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं दे आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली कोऑर्डिनेटेड। एक स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली कोऑर्डिनेटेड। सो मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल दे आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली कोऑर्डिनेटेड। और इन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल में कुछ सेल ऑर्गेनेल ऐसे हैं जो स्ट्रक्चरली कोऑर्डिनेटेड नहीं है, नो कोऑर्डिनेशन। बट फंक्शनली कोऑर्डिनेटेड है।
यानी उनके फंक्शन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, यानी एक बंदे का फंक्शन दूसरे से रिलेटेड है। और जो लोग फंक्शनली कोऑर्डिनेटेड होते हैं और मेम्ब्रेनस होते हैं, कैसे होते हैं फिर से बोलो, और कैसे होते हैं फंक्शनली कोऑर्डिनेटेड, ये एक सिस्टम पैदा करते हैं और इस सिस्टम को बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। तो जैसे ही मैं बोलूं एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम क्या होता है आप घबरा जाओ, नहीं बोलो सर एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम इज अ, फिर से बोलो दीज आर मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल विच मे बी स्ट्रक्चरली नॉट कोऑर्डिनेटेड बट फंक्शनली, हो सकता है कि उनके स्ट्रक्चर आपस में कोऑर्डिनेट ना करें लेकिन उनके फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे। फिर से व्हाट इज एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, हटा रहा है, व्हाट इज एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, दीज आर द सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल, सिस्टम ऑफ, सिस्टम ऑफ विच मे बी स्ट्रक्चरली नॉट कोऑर्डिनेटेड बट फंक्शनली कोऑर्डिनेटेड। और पेन थोड़ी देर के लिए रुको और देखो कितना जबरदस्त सिस्टम है, और जो लोग इसे सीख जाए उन्हें रट्टा मारने जरूरत नहीं। बोलते हैं सर सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, क्या होता है बेटा, और न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, बोलो क्या होता है, और डीएनए सेंट्रल डॉग्मा मेंटेन करता है, क्या बेटा मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं जहां भी बैठे हो बदतमीजी मत करना वरना मैं क्लास छोड़ दूंगा और भगा दूंगा तुम्हें। क्या होता है यानी डीएनए जहां होगा वो क्या प्रिफर करेगा, सेंट्रल डॉग्मा, और डीएनए जैसा होगा वैसा क्या बनाएगा, एमआरएनए, फिर से बोलो, और एमआरएनए जैसी होगी क्या बनाएगी, प्रोटीन, हाँ प्रोटीन, और प्रोटीन से क्या बनेंगे, एंजाइम, हाँ। तो बताइए अगर मुझे एंजाइम बनाना है तो जर्नी कहां से चालू होगी, डीएनए, और डीएनए मतलब न्यूक्लियस, तो पहले डीएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए से, प्रोटीन से, पक्का, और एंजाइम को खुला छोड़ेंगे कि स्टोर करेंगे। इतना जबरदस्त सिस्टम है कि बोलते हैं डीएनए ने एमआरएनए बनाया और वो एमआरएनए ईआर में गया, कहां पर गया, ईआर, व्हाट इज ईआर, लिखना नहीं है कसम है, लिखा तो मैं सबको अलग से दूंगा, सब कुछ लिखा दूंगा जब फील कर लोगे अपने आप आ जाएगा। बोले डीएनए से एमआरएनए गया ईआर, कहां गया, ईआर, फिर से देखो आपको मालूम है, बताओ यहां पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए है, सेंट्रल डॉग्मा याद है, और आपको सेंट्रल डॉग्मा बतानी है, जैसा डीएनए वैसा, शाबाश, जैसा एमआरएनए वैसी प्रोटीन, और जैसी प्रोटीन, तो बताओ ये एंजाइम सेल के अंदर बन रहे हैं और साइटोप्लाज्म में छोड़ा गया कि मेम्ब्रेन के अंदर, और ये एंजाइम बनाने के लिए आपको कहां से चालू करना पड़ेगा, डीएनए, तो बोलते हैं डीएनए से पहले बनेगा एमआरएनए, क्या बनेगा, और एमआरएनए भेजा जाएगा ईआर, बोलो कहां, और ईआर में होंगे राइबोसोम, क्या होंगे, यस राइबोसोम होंगे, तो नाम होगा आरईआर, फिर से बोलो, और आरईआर पे होगी एमआरएनए से, डीएनए से बना एमआर, और एमआरएनए से बनेगी प्रोटीन। तो न्यूक्लियस के साथ किसे जुड़ा रहना जरूरी है, क्यों जुड़ा रहना जरूरी है, क्योंकि न्यूक्लियस के पास क्या है, डीएनए, और उस डीएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए, कहां आएगा, आरईआर, आरईआर में क्या होंगे, राइबोसोम, फिर से बोलो, और राइबोसोम में उनकी क्या होगी, प्रोटीन सिंथेसिस,
प्रोटीन बन गई। बताओ कितने लोग इन्वॉल्व? दो। एक कौन? न्यूक्लियस। दूसरा अब प्रोटीन जो बनी है वो पूरी तरीके से बेटा सही नहीं है, तो बोला गया प्रोटीन को सही करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, क्या करने के लिए? प्रोसेस करने के लिए चाहिए गॉल्गी बॉडी। बोलो क्या बोला है? तो प्रोटीन का प्रोसेसिंग कहां हुआ? गॉल्गी बॉडी में। तो बताओ प्रोटीन बनी कहां थी? किससे बनी थी? एमआरएनए बना कहां था? डीएनए कहां पर है? न्यूक्लियस। तो बताओ न्यूक्लियस की चीजों से क्या बनाया गया? एमआरएनए कहां आया? ईआर में क्या बनी? प्रोटीन। प्रोटीन का क्या हुआ? प्रोसेसिंग। जो मटेरियल बना उसको प्रोसेस, धोला पूछा गया, प्रोसेसिंग हुई, कहां गया? अब गॉल्गी बॉडी में जो बना उसका नाम है प्रोटीन और एंजाइम। अब इस एंजाइम को बेटा भरा गया वेसाइकल्स में, किसमें? एंड दीज आर नोन एज लाइसोसोम। फिर से बोलो। और कुछ को भरा गया वैक्यूल में, किसमें? तो वैक्यूल में भरा गया। इसका मतलब है ये सारे के सारे ऑर्गेनेल आपस में स्ट्रक्चरली जुड़े हैं कि फंक्शनल? अगर एक का फंक्शन दूसरे के साथ जुड़ा हुआ दिख रहा है तो बताओ ये सारे नॉन मेम्ब्रेनस है कि मेम्ब्रेनस? और सबका काम अलग अलग की अलग अलग है लेकिन कोऑर्डिनेट। न्यूक्लियस ना होता तो एमआरएनए ना बनता तो प्रोटीन, ईआर ना होता तो प्रोटीन, प्रोटीन ना बनती तो प्रोसेस, अगर प्रोसेस करना है तो क्या चाहिए? गॉल्गी। गॉल्गी बॉडी ना होती तो प्रोसेस, गॉल्गी बॉडी से बना हुआ प्रोटीन एंजाइम बनाता और उसको पैकेट करने के लिए, भरने के लिए क्या चाहिए? लाइसोसोम। ना होते तो उसमें एंजाइम, याद करो, इसीलिए बोलते हैं लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं? एंजाइम। और बचा हुआ वेस्ट मटेरियल कहां डाला गया? तो इन सब का काम आपस में बताओ स्ट्रक्चरली की फंक्शनल? तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं न्यूक्लियस हटा दूं, क्या हटा दूं? अब ध्यान सुनो, जो भी गॉल्गी बॉडी ने बनाया है सर वो है प्रोटीन। अब उस प्रोटीन को वो सेल के बाहर सिक्रीट कर सकती है बाय द ट्रांसपोर्टेशन। भूल गए आप लोग, बाय द ट्रांस। बताओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक काम सिक्रीशन भी था? यस सर। और वो सेल के अंदर भी सिक्रीट करती है इन इन। तो गॉल्गी बॉडी जो भी बेटा सब्सटेंस बना है उसे अपने पास भी रख सकती है, सेल के अंदर भी डाल सकती है और सेल के बाहर भी डाल सकती है। इसका मतलब इन सबके काम कोऑर्डिनेटेड है। बोलो क्या है? अब मैंने बताया, बताओ एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम में न्यूक्लियस को हटाकर कौन कौन होगा? ईआर, गॉल्गी बॉडी, लाइसोसोम। और सर अगर मुझे दो चीजें और जोड़ने की हिम्मत दी जाए तो मैं उन्हें भी एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम में जोड़ दूंगा, एक इधर न्यूक्लियस, इधर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंडो नहीं है, एक्सटर्नल है, और न्यूक्लियस तो हम सेंट्रल बॉडी मानते हैं इसलिए हटा देते हैं। अदरवाइज ये सब आपस में जुड़े हैं। कौन कौन? न्यूक्लियस, ईआर, गॉल्गी बॉडी, लाइसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सब जुड़े हैं। तो बताओ एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम को अगर और डिटेल में पढ़ो, चार की जगह छह पढ़ो, तो क्या क्या होगा? न्यूक्लियस। पर न्यूक्लियस को मैं एंडो मेम्ब्रेनस में रखता नहीं, हटा दो। अब बताओ या गॉल्गी। अब मैं बिना पढ़ाए पूछ रहा हूं, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, बिना पढ़ाए पूछ रहा हूं, बताओ किस में प्रोटीन बनती है? ईआर। किस में प्रोसेस होती है? किस में पैक होती? लाइस। वेस्ट मटेरियल कहां जाता है? और ये सब आपस में स्ट्रक्चर से जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं? अब देखो तुम डेफिनेशन खुद बताओगे, मैं बोलूं व्हाट इज एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम। अब देखना, अब मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपसे रट्टा मरवा के पढ़ाऊं। व्हाट इज एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम बता पाओगे? दिस इज अ ग्रुप ऑफ, एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ, यस, मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल। बोलो कैसा? मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल। अच्छा, जो स्ट्रक्चरली कोऑर्डिनेटेड है? ना ना ना, हुज फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड, आर कोऑर्डिनेटेड
और आपकी एनसीईआरटी ने एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम में कितने लोगों का नाम लिया है? चार। पहला ई आर, बोलो कौन? ई आर, बोलो फुल फॉर्म। दूसरा गॉल्गी बॉडी, यस गॉल्गी बॉडी। फिर कौन सा? लाइसोसोम, लाइसोसोम, थैंक यू वेरी मच। फिर वैक्यूल, और इन्होंने ये भी लिखा है कि मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल तो माइटोकॉन्ड्रिया भी है, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल तो पेरोक्सीसोम भी है, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल तो बेटा क्लोरोप्लास्ट भी है, लेकिन इन सब के काम आपस में कोऑर्डिनेटेड, और अगर आपस में इनके काम कोऑर्डिनेटेड नहीं है तो ये मेम्ब्रेनस तो है लेकिन एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम नहीं है। क्या मेम्ब्रेनस नहीं है? दे आर मेम्ब्रेनस, बट क्या इनके फंक्शन कोऑर्डिनेटेड है? यस। क्या माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सीसोम के फंक्शन कोऑर्डिनेटेड है? तो क्या इनके फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं? तो अगर ये कोऑर्डिनेटेड नहीं है तो मेम्ब्रेनस भले हो लेकिन एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट नहीं। तो बताओ एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम के पार्ट कितने हैं? चार। चारों याद हैं? पहला ईआर, गॉल्जी बॉडी, लाइसोसोम। तो हमारे हिस्से में पहले कौन आया? ईआर। तो मैं पहले सबसे पहले ईआर पढ़ाता हूं, सॉरी सबसे पहले मैं ईआर पढ़ाने जा रहा हूं। ईआर That is known as endoplasmic reticulum. Reticulum. Pahla point, it was discovered by Thompson. NCERT mein nahi hai, likh lijiye. Discovered by Thompson. थॉमसन। अब ध्यान से एक साइंटिस्ट का नाम और लिया जाता है, पोर्टर। हाँ पोर्टर, क्या कह रहा? अच्छा के आर पोर्टर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब इतना नाम याद रखो, बोलो कौन कौन? थॉमसन एंड पोर्टर, दो साइंटिस्ट के नाम याद रखे। ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। आप मुझे वही भाषा लिखनी पड़ेगी जो बुक्स में है। They are membranous structure. Structures attached with outer nuclear membrane. Outer nuclear membrane. तो अब इसे दिखाना भी पड़ेगा कि सर कैसे। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, तो आपको मालूम है न्यूक्लियस के पास अपनी डबल मेम्ब्रेन होती है, एक इनर और एक आउटर। सो ये रही इनर मेम्ब्रेन, लेट सपोज इट इज इनर मेम्ब्रेन, और वो रही आउटर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर पड़ा है डीएनए। अब इसकी आउटर मेम्ब्रेन के साथ ईआर अटैच्ड है, कॉन्टिन्यूअस है, लाइक दिस। दी आर द मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर अटैच विथ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बेसिकली मेड अप ऑफ थ्री टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स। ई आर इट सेल्फ इज मेड अप ऑफ थ्री टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स। वन इज नोन एज सिस्टर्नी, दूसरे हैं ट्यूब्यूल्स, तीसरे हैं वेसाइकल्स। ये याद रखिएगा, मैं और अच्छा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं, पहले आप इतना याद रखिए। बताइए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन्स हैं वो कितने तरीके का स्ट्रक्चर बनाती हैं? तीन, बोलो कौन? सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसाइकल। किसी को मीजोसोम याद है? तीन स्ट्रक्चर थे क्या क्या? वेसाइकल, वेसाइकल, ट्यूब्यूल, लैमेला, याद है? कुछ कुछ वैसे स्ट्रक्चर है, तीन स्ट्रक्चर है। नंबर वन सिस्टर्नी,
वेस्टिब्यूल वेसाई। अब ध्यान सुनना, पहले मैं एक एक करके बनाता हूं। सिस्टर्नी आर द प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स इंटरकनेक्टेड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स दे आर द डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स एंड द ट्यूब्यूल्स आर द आपस में अपने आप ही बोल रहे हैं द ट्यूब्यूल्स आर द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दे आर द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड द वेसाइकल आर स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स अगर अपनी एनसीईआरटी तुम देख सकते हो, पता नहीं इसमें है कि नहीं, आई डोंट नो, है नहीं है, देखें। चलो भाई कहां से जाएं, यहां से। मुझे तो नहीं लग रहा होगा, टेलीग्राम से जाएं। बाबा अंसारी और पीछे जाए, योगेश वो वेटिंग फॉर नेटवर्क है। सॉरी, तो भैया वापस लौट के बुद्धू घर को आए, लो हमारा टॉपिक भी चला गया। तो बताओ कितने प्रकार के बेटा हैं? तीन। तीनों याद है? बोलो कौन कौन? सिस्टर्नी, वेसाइकल, ट्यूब्यूल। जरा मुझे देख के बताओ आप अपनी एनसीईआरटी बुक में कि क्या आपको कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या? ईआर देखो, ईआर दिख रहा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या? और कुछ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। अब मैं बनाने की कोशिश करता हूं। लेट सपोज ये न्यूक्लियस है, मैं पहले न्यूक्लियस की दोनों मेम्ब्रेन बनाऊ, एक दो, ऐसे अजीब सा स्ट्रक्चर बना, माफ कर दीजिए इसे न्यूक्लियस मान लीजिए। क्या ये न्यूक्लियस? तो बताओ न्यूक्लियस से कितनी मेम्ब्रेन? एक कौन सी? इनर, और एक। अब मैं इसमें बनाने की कोशिश कर रहा हूं ईआर। तो ईआर की कुछ बेटा स्ट्रक्चर्स ऐसे मिलेंगे आपको लाइक दिस। लाइक दिस, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं दे आर सिस्टर्नी। वहीं पर कुछ स्ट्रक्चर आपको ऐसे मिलेंगे। दे आर ट्यूब्यूल्स। और कुछ स्ट्रक्चर बेटा आपको इनसे बड ऑफ मिलते मिलेंगे, दे आर नोन एज वेसाइकल्स। तो बताओ ईआर के पास कितने प्रकार के स्ट्रक्चर हैं? नंबर वन सिस्टर, ट्यूब्यूल, थक गए? कितनी देर में थक गए? बताओ ईआर में कितने पार्ट? तीन। बोलो कौन? वेसाइकल। अब ध्यान सुनना, ये बातें एनसीईआरटी में नहीं लिखी, लेकिन याद रखना, ओनली द सिस्टर्नी पोर्शन, ओनली द दे हैव द राइबोसोम ऑन द वॉल, यानी मेम्ब्रेन में राइबोसोम रखते हैं। एंड राइबोसोम रखने की वजह से इनका लुक स्मूथ है कि रफ है? रफ है। एंड दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज आर ई आर। व्हाट इज आर ई आर?
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो इस समय पर बहुत बेहतर तरीके से आप इन स्ट्रक्चर को देख सकते हो। जो सिस्टर्नी पोर्शन होगा उसमें तुम्हें राइबोसोम दिख रहे होंगे, और द टिब्यूल पोर्शन, देखो ध्यान से अपनी बुक में, टिब्यूल पोर्शन और वेसाइकल पोर्शन पे राइबोसोम है कि नहीं। तो मेनली टिब्यूल और वेसाइकल पोर्शन दे विल फॉर्म SER। व्हाट इज SER? इट इज नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बताइए ER कितने प्रकार के? दो हैं? एक कौन? आरिया। दूसरा कौन? SER। आरिया का फुल फॉर्म रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और SER का फुल फॉर्म स्मूथ। तो मैं आपकी एनसीईआरटी को देखने के लिए निमंत्रण फिर से देख रहा हूं। मेरा स्ट्रक्चर देखने के बजाय एनसीईआरटी देखो। बताइए सिस्टर्नी में क्या प्रेजेंट है? आरिया। क्या उनमें राइबोसोम प्रेजेंट है? और टिब्यूल में बेटा प्रेजेंट है राइबोसोम की नहीं? और वेसाइकल में नहीं। तो बताओ बताओ कितने प्रकार का ईआर? दो। एक कौन? और एक SER। एक और बात डरते डरते कहना चाहता हूं, सिस्टर्नी में ऑल्सो नॉट हैव मे डिवाइड ऑफ राइबोसोम। कुछ सिस्टर्नी ऐसी भी हो सकती हैं जिनमें राइबोसोम ना हो, और अगर उन सिस्टर्नी में राइबोसोम नहीं हुआ तो वो भी किसकी पार्ट हो जाएंगी? SER। फिर से बोलो, व्हाट इज SER? एंड इवन ट्यूब्यूल और वेसाइकल जनरली इनमें कभी भी राइबोसोम नहीं। तो बताओ ER कितने प्रकार के? एक की दो? एक कौन? और दूसरा कौन? SER। फिर बोलते हैं चाहे टिब्यूल हो, चाहे वेसाइकल हो, चाहे सिस्टर्नी हो, दे आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। पता नहीं क्या ये सेल दिख रही है? पहले इधर देखो तुम, तभी तुम्हें समझ में आएगा। सेल दिख रही है? अच्छा बताओ सेल में आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, और न्यूक्लियस के बाद ये ER दिख रहा है? नो सर। इसका मतलब ER कहां पड़े हैं? आकाश में। तो इन्होंने साइटोप्लाज्म को दो हिस्से में बांट दिया, एक जो इन सिस्टर्नी के ल्यूमेन के अंदर है, ल्यूमेन के अंदर साइटोप्लाज्म घुस चुका है, इट इज नोन एज ल्यूमिनल। बोलो क्या है? फिर से बोलो। और बाकी साइटोप्लाज्म जो इनके ल्यूमेन के बाहर है, बताओ ल्यूमिनल के एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। तो बताओ इन्होंने, इनकी सिस्टर्नी ने, ट्यूब्यूल ने नहीं, इनकी सिस्टर्नी ने पूरे साइटोप्लाज्म को कितने पार्ट में बांटा है? दो। एक कौन? ल्यूमिनल। और एक कौन? फिर से कहूंगा एनसीईआरटी देखो, मेरे डायग्राम 3D नहीं है, वहां पर 3D डायग्राम बनाए गए हैं। बताइए क्या आपको उसके अंदर ल्यूमेन दिख रहा है? सिस्टर्नी के अंदर ल्यूमेन दिख रहा है? तो जो ल्यूमेन का पोर्शन है वो बोलो ल्यूमिनल, और जो ल्यूमेन के बाहर है वो एक्स्ट्रा। इतना गंदा लिख रहा है कि मुझे बना दिखाने का मन नहीं कर रहा, पर मुझे लगता है मेरे बच्चों ने डायग्राम दिमाग में भर लिया। बताओ व्हाट इज ER? ER आर मेम्ब्रेनस की नॉन मेम्ब्रेन? दे आर अटैच्ड विद इनर मेम्ब्रेन की आउटर मेम्ब्रेन। कितने पार्ट है? तीन। बोलो कौन? सिस्टर्नी, वेसाइकल, ट्यूब्यूल। कौन प्लेट लाइक? शाबाश। कौन ट्यूब लाइक? और कौन स्फेरिकल? पक्का? रिसाइकल कैसे हैं? स्पेरिकल। अच्छा बताओ जनरली राइबोसोम किन में? सिस्टर्नी है? और क्या सिस्टर्नी प्लेट लाइक है? और अगर सिस्टर्नी प्लेट लाइक है तो क्या इनके अंदर ये वाला पोर्शन ल्यूमेन वाला है? देखो ध्यान से देखना, ये वाला पोर्शन जो बना रहा हूँ ये ल्यूमेन, और जो मैं दूसरा पोर्शन बना रहा हूँ बताइए ये वाला पोर्शन ल्यूमेन के अंदर की बाहर? ये वाला बाहर, ये वाला? तो ल्यूमिनल के एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। तो बताओ इन्होंने पूरे साइटोप्लाज्म को कितने पार्ट में बांटा है? दो। वन इज ल्यूमिनल, दूसरा हटा दें। डायग्राम अपनी एनसीईआरटी पे देखना। अब बताओ फिर से बताओ तब आगे बढ़ जाएं। ER क्या एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम का पहला सेल ऑर्गेनेल है? मेम्ब्रेनस है? नो सर। और बताओ तीन पार्ट में है? तीनों के नाम सिस्टर्नी, साइकल, ट्यूब्यूल। कौन प्लेट लाइक है?
कौन ट्यूब लाइक है, कौन स्फेरिकल है, किन में राइबोसोम है, किन में नहीं है, ट्यूब्यूल और राइबोसोम होने की वजह से अपीयरेंस रफ, रफ है, रफ का मतलब आर ई व्हाट इज आर ई आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और व्हाट इज एस सी आर बताओ राइबोसोम कितने प्रकार के दो जनरली सिस्टर्नी पोर्शन जनरली साइटोप्लाज्म को कितने पार्ट में बांटा है दो ल्यूमेन के अंदर ल्यूमिनल ल्यूमेन के बाहर अब ध्यान सुनो फंक्शन ज्यादा पीएचडी से क्वेश्चन आएंगे नहीं डायरेक्ट फंक्शन से आएंगे फंक्शंस पहला आर ई आर का फंक्शन सुनो यस आर ई आर के पास है राइबोसोम्स और राइबोसोम्स दे आर रिक्वायर्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस कल ही पढ़ा दिया था मैंने किसमें रिक्वायर्ड है यस राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है और वो राइबोसोम साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है कि आर ई आर दैट्स वाई आर ई आर हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन सिंथेसिस आधे बच्चे प्रोटीन सिंथेसिस की मैकेनिज्म नहीं समझ पाते कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस तो उन्हें जेनेटिक्स में समझ में आती है प्रोटीन सिंथेसिस का सीक्वेंस है कि जैसा डीएनए वैसा क्या डीएनए से एमआरएनए बनता है एमआरएनए से प्रोटीन बताइए आपको ये तीनों पार्ट सेंट्रल डॉगमा में मिले हैं चलो थोड़ी मदद करो डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन फिर से बोलो रेप्लिकेशन थैंक यू वेरी मच डीएनए से एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन ये प्रोसेस का नाम है ट्रांसक्रिप्शन और एमआरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन तो बताइए ट्रांसलेशन का मतलब क्या हुआ प्रोटीन सिंथेसिस तो प्रोटीन सिंथेसिस कहां होगी आर ई और इसीलिए आर ई आर उन हर ऑर्गन में ज्यादा होंगे जो एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व जितने भी सेल सॉरी जितने भी ऑर्गन है उनके पास आर ई आर का नंबर कम की ज्यादा इनमें से दो ऑर्गन में से एक है पैनक्रियास ध्यान सुनना पैनक्रियास में आर ई आर की भरमार है दूसरा है ब्रेन तीसरा है मसल्स तीसरा क्या है बताइए मसल्स के पास प्रोटीन चाहिए यस इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ज्यादा होगी तो आर ई आर की पोजिशनिंग कौन सी सेल में होगी सारे ऑर्गन के सेल में होगी लेकिन ज्यादा कहाँ होगी जो प्रोटीन सिंथेसिस में कम है कि ज्यादा नहीं आया देखो बताओ मसल्स में क्या होती है पता नहीं मसल इज मेड अप ऑफ ईंट पत्थर मसल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन ब्रेन में प्रोटीन की जरूरत है पैनक्रियाज में प्रोटीन की जरूरत है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम बहुत सारे एंजाइम निकलने और ऑल द एंजाइम आर प्रोटीन तो बेटा इनमें प्रोटीन की जरूरत है तो प्रोटीन जहां जरूरी होगी वहां प्रोटीन बनानी पड़ेगी और प्रोटीन जहां बनानी है वहां आर ई आर कम की जरूरत तो बताओ मैंने दो ऑर्गन लिखे एक कौन पैनक्रियास और एक कौन ब्रेन मैंने यही दो क्यों लिखे क्योंकि जब तुम आकाश का पेपर देने जाते हो कुछ लोग हैं जो हमारी टेस्ट सीरीज नहीं करते आकाश एलन की टेस्ट सीरीज करते हैं वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल हैव हाई आरईआर और ये दो ऑप्शन जरूर वहां पर होंगे बोलो कौन पैनक्रियास और ब्रेन और तब आकर आप लौट करके आगे पूछते हो सर आपने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं आकाश में क्वेश्चन आया था एनसीईआरटी में लिखा नहीं आगे सुनो दूसरा बेटा है एससीआर एसईआर भाइयों बहनों ध्यान समझना एससीआर का फुल फॉर्म है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चलिए मेघा जी खड़ी होइए आपको मैंने कभी ना कभी मसल्स पढ़ाई थी क्या पढ़ाई थी और मसल में मैंने मायोफाइब्रिल पढ़ाए थे फाइबर पढ़ाए थे और मसल टिश्यू पढ़ाए थे तीनों डिफरेंस मसल फाइबर
मसल फाइबर और मसल सेल अलग अलग बात है कि एक ही बात है? चलिए कुछ लोगों को याद दिलाते हैं हम लोग, देखें कितने लोगों को याद आता है। क्या आपको मसल फाइबर और मसल सेल एक ही बात लगती है? बताओ इसकी मेम्ब्रेन का नाम सारकोप्लाज्म, सारकोलेम। इसके साइटोप्लाज्म का नाम सारकोप्लाज्म। और फिर इसमें फाइबर पढ़ाए थे मैंने, कुछ लोगों को कुछ भी याद नहीं है। फाइबर तो ये खुद है, फाइबर भी पढ़ाए थे। एक्टिन और मायोसिन इज द फाइबर और फाइब्रिल, फाइब्रिल। फिर मैंने बोलता था मसल फाइबर में न्यूक्लियस होगा, यस न्यूक्लियस होगा। इनका साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म का नाम सारकोप्लाज्म, फिर से बोलो। और फिर मैंने बताया था इसमें एक रेटिकुलम होगा, याद है? नाम बताओ, सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोलो कौन सा? यस सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम। भाइयों बहनों बैठ जाओ, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वन ऑफ द टाइप ऑफ एससीआर, वन ऑफ द टाइप ऑफ एससीआर। ईआर है नो डाउट, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ईआर, लेकिन आरईआर की एससीआर, एससीआर। और आपको मालूम है इसमें थी कैल्शियम, क्या थी? भूल गए, कैल्शियम थी। और मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते थे, किसमें? मसल। ये जिस साल क्वेश्चन पूछा जाएगा उस दिन तुम घबरा जाओगे, क्यों? क्योंकि तुमको एससीआर में केवल ये रटाया गया है कि एससीआर लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, किसमें? लिपिड सिंथेसिस। आपको ये भी पढ़ाया गया है कि सर ये स्टेरॉइड सिंथेसिस में भी मदद करते हैं, स्टेरॉइड सिंथेसिस। और आपको मालूम होना चाहिए स्टेरॉइड भी एक प्रकार का लिपिड ही है। तो जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन हैं, कौन से हार्मोन? फिर से बोलो, जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन हैं, उनको बनाने वाली सेल, उनको में कौन ज्यादा होगा? एससीआर। फिर से बोलो, और इसीलिए डाइजेस्टिव सिस्टम में काइलोमाइक्रोन बनाते वक्त क्या क्या और मिसेल्स बनाते वक्त क्या क्या चाहिए होता है? एससीआर। व्हाट इज एससीआर? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसी को मतलब नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज देंगे, कुछ तो जमा ही लेंगे, कुछ तो सो जाएंगे। मन करता है नॉलेज देने का कभी कभी, पर मैं दे रहा हूं, जो लोग कैप्चर कर पाए वो पकड़े। एससीआर उन हर सेल ऑर्गेनेल में होगा जहां पर बेटा स्टेरॉइड हार्मोन बनेंगे। और आपकी बॉडी में जितने भी सेक्स हार्मोन हैं, कौन से हार्मोन? दीज आर स्टेरॉइड। बोलो कैसे हैं? बताओ, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, एंड्रोजन, स्ट्रॉइड, एस्ट्रोजन, स्ट्रॉइड। इसके अलावा एडिनल कॉर्टेक्स, एडिनल, एडिनल ग्लैंड जानते हो? एडिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन कैसे होते हैं? स्टेरॉइड। वहां पर आरईआर ज्यादा हुआ कि एससीआर? सुना और भूल गए, ये मत करो। बताओ एससीआर का मेन काम लिपिड सिंथेसिस, स्टेरॉइड सिंथेसिस। एक और काम है, कहां पर? मसल्स में। बोलो कहां पर? और मसल में इसका काम है क्या देना? कैल्शियम। फिर से बोलो, और कैल्शियम दे करके क्या करवाना? मसल कॉन्ट्रैक्शन, याद रखना मसल कॉन्ट्रैक्शन। बताइए कितने प्रकार के ईआर? दोनों के काम याद रहेंगे। इसमें प्रोटीन कौन बनाएगा? और आरईआर ही प्रोटीन क्यों बनाए? क्योंकि उसके पास राइबोस होते हैं। तो हमें ईआर की जरूरत नहीं है, ईआर की जरूरत होती तो ये भी बनाता, क्योंकि इसका भी नाम स्मूथ है, स्मूथ का मतलब उसमें राइबोसोम नहीं है। तो ईआर की जरूरत होती तो ये भी प्रोटीन बनाता, लेकिन ये प्रोटीन क्यों नहीं बनाता? क्योंकि राइबोसोम, तो प्रोटीन बनाने के लिए ईआर की जरूरत की राइबोसोम? हाँ तुम खड़े हो, और कल मैंने पढ़ाया था, यस खड़े हो, कि बताओ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रोटीन सिंथेसिस कौन करेगा? आरईआर की एससीआर?
क्या फायदा माइकल जैक्सन है? क्यों पढ़ाए हम? अच्छा, कभी कभी हम सोचते हैं क्यों पढ़ाए, तो कुछ लोग बोलते हैं सर पैसा लिया इसलिए पढ़ाओ। हाँ बिल्कुल, पैसा लिया मुझे पढ़ाना चाहिए, तो फिर हम क्यों इंटरेस्ट दिखाएं तुमसे पूछने में, अपना काम करें चले जाए। तब आप मेरा करेक्टर और मेरी टीचिंग की स्टाइल का एसेसिनेशन करोगे, इनको कुछ नहीं आता, सड़ा मुंह बना के आते हैं, सड़ा मुंह के चले जाते हैं। मैं यही एक्सपेक्टेशन रखूं कि हमारे बच्चों को कुछ नहीं आता, मैं कितना भी पढ़ाऊं मुंह बना के बैठे रहते हैं। और कल यही क्वेश्चन 3 बार चिल्लाया, 4 बार चिल्लाया, बताओ प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है? और प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल ईआर एसईआर आरईआर राइबोसोम, और राइबोसोम एक है कि बहुत सारे हैं? पॉली राइबोसोम है। तो वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस का काम पॉली राइबोसोम, बोलो पॉली राइबोसोम। ध्यान नहीं आया ना, क्यों जानते हो? भय बिन होए ना, दुइठो कंटाप अभी मारे तुम्हें, अगले दिन से तुम सतर्क रहोगे कि पता नहीं कब पूछ ले। कुछ लोग तो लगता है हमसे तो पूछेगा ही नहीं, कुछ उनको लगता है कि ये तो हमसे तो पूछेगा ही नहीं, पर एक दिन हम सारे बच्चों से पूछेंगे, एवरीवन, कोई नहीं छूटेगा। बस मेरा कोर्स कंप्लीट होने दो, देखना इस क्लास में केवल 100 बचेंगे, सब भाग जाएंगे पूछेंगे। पर हमको जहां तुम मिल गए बेटा चौराहे में सब्जी खरीदते हुए, गाड़ी खड़ी करूंगा, चलो बताओ, और वहीं डंडा लेकर के मारेंगे और बहुत मारेंगे, और 4 लोग लेके चलेंगे ताकि तुम हमसे लड़ो तो हम बच जाएं। कि सर आप, अब तो बोलेंगे सर चौराहे पे क्यों पूछ रहे हैं, कहेंगे यार तुम्हें क्लास में बुलाते हैं तुम आते ही नहीं हो, तो अब जहां तुम मिलोगे वहां पूछेंगे। नहीं पूछे पक्का? तो फिर तुम लोग भाग क्यों जाते हो जब मैं पूछना चालू करता हूं? प्लीज हिम्मत बनाए रखो, नहीं मारूंगा, बस बताओ, याद करके आओ, अपना प्रोसेस मेंटेन करो, और देखना तुम्हारा टॉपिक कितनी तेजी से तैयार होगा। कितने प्रकार के ईआर? दो। एक कौन? आरईआर। दूसरा? एसईआर। राइबोसोम है? यस सर। राइबोसोम नहीं है। एक और चीज है, एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम है, किसमें? जब चीजें जाएंगी गॉल्गी बॉडी के पास, किसके पास? तो उनका रास्ता होगा आरईआर से एसईआर से गॉल्गी बॉडी। नहीं आया? तो बनेगा कहां? और फिर कहां जाएगा? और फिर कहां जाएगा? गॉल्गी बॉडी। तो रास्ते में इनके स्ट्रक्चर कनेक्टेड है कि फंक्शन? और इसीलिए क्या कहलाते हैं? एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम। खत्म हो गया ईआर, उसमें कुछ नहीं था, एनसीईआरटी में इतना ही लिखा, और इसमें इतना बवाल पैदा कर देते हो। अब बुक में कुछ नहीं, अब बता पाओगे? नो, यहाँ पर कुछ नहीं, अब बता देना। बताओ कितने प्रकार के? दो। नहीं, बताओ कितने प्रकार के स्ट्रक्चर? बोलो कौन? सिस्टमिक। कौन है प्लेट लाइक? कौन ट्यूब लाइक? कौन स्पीयर? नींद आ रही है बहुत ज्यादा, ऐसे शोर में अगर कोई सो ले तो वो कुंभकर्ण ही है। हम जानबूझ के शोर करवाते हैं, क्योंकि एक आधे इधर लुढ़कते हैं, एक आधे उधर लुढ़कते हैं, अरे यार एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है। तो जर्नी करोगे तो कहां से कहां? एसईआर आरईआर गॉल्गी की आरईआर एसईआर? प्रोटीन कहां बनेगी? लिपिड कहां बनेगा? और बताओ स्टेरॉइड कहां बनेगा? स्टेरॉइड हार्मोन बनाने वाली सेल में क्या होगा? प्रोटीन बनाने वालों में? पैनक्रियाज में? ब्रेन में? टेस्टिस में? लेडिंग सेल में? क्या राजा बाबू कल पूछे लेडिंग सेल में किसका जरूरत होगा? अरे लेडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन बनाता है। आरईआर कैसी है? एडिनल कॉर्टेक्स की सेल। जबरदस्त। अब कौन क्वेश्चन कौन पूछेगा? आप पूछो। ल्यूमेन 2 पार्ट का होगा, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल इंट्रा ल्यूमिनल। नहीं आया? का चुप साध ही रहे बलवाना। हाँ चुपचाप पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, आगे चलते हैं। इसके बाद कौन आया? गॉल्गी बॉडी।
आओ भैया गॉल्गी बॉडी। एक साइंटिस्ट में कैमिलो गॉल्गी, कैमिलो गॉल्गी साहब ने इन्हें डिस्कवर किया, शायद 1898 लिखा है, 1898 ईस्वी में इन्होंने डिस्कवर किया था। गॉल्गी बॉडी को डिस्कवर किया था कैमिलो गॉल्गी ने। हमारे सर जो हमें पढ़ाते थे, पहले हम वो आपको देते हैं। सर हमारे कहते थे, सुनील गॉल्गी बॉडी कुछ नहीं है, ईआर ही है। मैं कहता था क्या बात कर रहे हो सर, अगर ये ईआर है तो इसका नाम ईआर होना चाहिए। बोले पागल हो क्या, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से जो जुड़ा रहा उसका नाम और जो टूट गया उसका नाम, लेकिन मिलेगा न्यूक्लियस के पास ही। तो हमने कहा सर क्या बकवास कर रहे हो, अगर गॉल्गी बॉडी ईआर जैसा ही है तो इसमें भी तीन चीजें होनी चाहिए। बोले हाँ, बोले गॉल्गी बॉडी भी उन्हीं तीन चीजों का बना है। बोला कौन कौन? यस, गॉल्गी बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सिस्टमी, थैंक यू वेरी मच, सिस्टमी। दूसरा ट्यूब्यूल, तीसरा आज अजीब कहानी है, बिल्कुल मुझे भी यही लगता है, लेकिन मेरे पास तो कोई, मैं साइंटिस्ट तो हूं नहीं। कैमिलो गॉल्गी गुस्सा जाएंगे, अच्छा हमने कैमिलो गॉल्गी मैंने गॉल्गी बॉडी ढूंढी, तुम उसको ईआर बोल लो। पर जिसको लर्न करना, कोई ये मत कह देना कि गॉल्गी बॉडी को सर ने ईआर का पार्ट बोला है। मैंने ऐसा याद करने के लिए बोला है, ऐसा आपको निमोनिक्स बनाकर याद करने के लिए बोला है। इसका मतलब ये नहीं बोला कि दे आर, ये नहीं बोला, मैं पहले से शुद्ध कर दूं। कल को सर आप ही ने तो पढ़ाया था और उसमें आ गया और हमने कर दिया, गड़बड़ हो गया, माइनस चार चला गया, एक पहले चला गया, टोटल पांच चला गया। अब हम तुमको मारेंगे, हमें मार नहीं खानी। तो बताओ गॉल्गी बॉडी एक अलग बॉडी है, यस, पर वो कहां मिलेगी? न्यूक्लियस के आसपास, पर न्यूक्लियस से जुड़ी नहीं। और कितने पार्ट होंगे? तीन। बोलो कौन कौन? सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल, बट देयर मेन बॉडी इज मेड अप ऑफ सिस्टर्नी। यानी गॉल्गी की जो मेन बॉडी है, मेन स्ट्रक्चर है, इट इज मेड अप ऑफ सिस्टर्न। और उसके बाद भैया लोग क्या क्या पीएचडी करवाते हैं, मैं भी करवाने की कोशिश कर रहा हूं। बोलते हैं किसी भी गॉल्गी बॉडी में प्लेट लाइक कॉन्सेंट्रिक स्ट्रक्चर्स होंगे लाइक दिस, और बोलते हैं इनका एक कॉन्वेक्स पार्ट होगा। कौन सा पार्ट? दिस इज नोन एज कॉन्वेक्स। थोड़ा और अच्छा बनाते हैं, हटाओ बड़ा बनाए। तो बताओ गॉल्गी बॉडी में प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, यस, ये क्या है? सिस्टर्न, यस, ये दूसरा कॉन्सेंट्रिक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, आल्सो सिस्टर्न, तीसरा प्लेट लाइक कॉन्सेंट्रिक स्ट्रक्चर, दे आर सिस्टर्न, दे ऑल आर अटैच्ड विद द मेम्ब्रेन, एवरीथिंग इज अटैच्ड विद द मेम्ब्रेन एंड इट इज गॉल्गी बॉडी। अब टीचर क्या बताते हैं इसमें, मैं भी वही बताऊंगा, कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा। बोलते हैं इसका एक कॉन्वेक्स एरिया होता है, कौन सा? ये रहा कॉन्वेक्स। अच्छा हमको बड़ा मुश्किल होता था कॉन्वेक्स और कॉनकेव ढूंढने में, हम इतना परेशान रहते थे। एक तो अंग्रेजी अच्छी थी नहीं, तो हमको कॉनकेव और कॉन्वेक्स कभी भी समझ में नहीं आया। एक दिन मैंने दिमाग लगाया, जो गुफा जैसा केव माने जिसमें दैट इज नोन एज, ऐसा दिमाग था हमारा। इतने बेवकूफ आदमी का सिलेक्शन एमबीबीएस में हो सकता था, तुम तो सब उसी आ हो कि नहीं हो? नहीं है। अच्छा तो एक है कॉनकेव फेस और एक कौन है? अच्छा कॉन्वेक्स फेस को इन्होंने नाम दिया सिस। बोलो क्या नाम दिया? सिस, सिस फेस। और जो कॉनकेव फेज है उसका नाम इन्होंने दिया ट्रांस। बोलो क्या नाम दिया? ट्रांस फेज। फिर इन्होंने एक और नाम दिया कॉन्वेक्स सिस। जो सिस फेज है इसका नाम है फॉर्मिंग फेज। फिर से बोलो, फॉर्मिंग फेज। और जो ट्रांस फेज है इट इज नोन एज मैच्योरिंग फेज, मैच्योरिंग फेज। और जितने बच्चे इसको देखते रहेंगे वो घबरा जाएंगे।
और जितने बच्चे ये देखेंगे वो खुश हो जाएंगे. बताओ ये न्यूक्लियस है. थैंक यू वेरी मच. इसके अंदर डीएनए है. बताओ ये क्या है. ईआर है. बताओ ईआर में तीन पार्ट है थी. बोलो क्या. सिस्टर्नी ट्यूब्यूल वेसाइकल. पक्का. अच्छा बताओ सिस्टर्नी रफ था कि. वाह मेरे बच्चे बहुत मदद कर रहे हो मेरी. ये एहसान मैं तुम्हारा कभी भूलूंगा नहीं. बताओ आर ई आर कौन था. सिस्टर्नी. ट्यूब्यूल कैसा था. एससीआर. हाँ और वेसाइकल कैसा था. एससीआर. पक्का. अब ध्यान सुनना. बोलते हैं आर ई आर ने बनाई प्रोटीन. आर ई आर ने बनाई प्रोटीन और प्रोटीन को पैक किया उसने वेसाइकल में. किसमें. ट्यूब्यूल की वेसाइकल. वेसाइकल. थैंक यू वेरी मच. वेसाइकल में पैक कर दिया. जैसे ही पैक किया उसके बाद उन्हें भेजा गया गॉल्गी बॉडी में. किसमें बेटा. और गॉल्गी बॉडी में वेसाइकल भेजे गए. किसके वेसाइकल. पता नहीं क्या ये वेसाइकल आए. और ईआर के वेसाइकल आकर इससे मर्ज हो गए. किससे. किस स्पेस से. और इसलिए यहां पर क्या हो लगा. फॉर्मेशन. क्या होने लगा. सर जी फॉर्मेशन की बजाय बोला जाए मॉडिफिकेशन. बोलो क्या हो गया. यस माई बच्चा यहां पर चीजों का होने लगा मॉडिफिकेशन. क्या बनी थी. प्रोटीन भरी गई. वेसाइकल. आर ई आर से कहां गए. एसईआर से गॉल्गी बॉडी. एसईआर से. और गॉल्गी बॉडी में कौन सा फेज. कौन सा फेज. फॉर्म. और ये वेसाइकल इसके साथ मर्ज होकर के अंदर घुसता गया और घुसते घुसते होने लगा मैच्योर. क्या होने लगा. मैच्योर कुछ नहीं मतलब मॉडिफिकेशन. क्या होगा. और फिर वेसाइकल बन के ही निकला. किस फॉर्म में. कैसे घुसा. वेसाइकल निकला. वेसाइकल क्या लेके आया था. प्रोटीन. निकला तो प्रोटीन लिखा कि मॉडिफाइड. तो बताओ प्रोटीन बनी कहां थी. ए ईआर की आर ईआर. ईआर बोले थप्पड़ आएंगे. ईआर की आर ईआर. मॉडिफाई कहां हुई. घुसी कहां से. सिस फेज. निकली कहां से. तो बताओ फॉर्मेशन कहां से हुआ. सिस. मैच्योर कहां से हुआ. ट्रांस. तो सिस फेज से एंट्री की और ट्रांस फेज से निकली और जब निकली तो प्रोटीन वही थी कि मॉडिफाई. बोलते हैं मॉडिफिकेशन के दौरान इनका हो जाता है ग्लाइकोसाइलेशन. बोलो क्या हो जाता है. ग्लाइकोसाइलेशन. शब्द याद रखना. कौन सा. ग्लाइकोसाइलेशन. तो जो प्रोटीन थी वो प्रोटीन रही कि ग्लाइको प्रोटीन हो गई. तो कोई बताए ग्लाइको प्रोटीन कहां बनती है. आर ई आर मत लगा देना मरोगे. ग्लाइको प्रोटीन फॉर्म इन गॉल्गी बॉडी. जी फॉर ग्लाइको प्रोटीन. और मैंने क्वेश्चन तीन बार पूछा 70% लोग डाउन हो जाते हैं. मैं पूछता हूं ग्लाइको प्रोटीन दे आर फॉर्म्ड इन एस ई आर आर ई आर गॉल्गी बॉडी. बोलो क्या लगाओगे. प्रोटीन कहां बनी. और उसका ग्लाइकोसाइलेशन कहां हुआ. बहुत सिंपल टॉपिक है समझने लायक है. तो लोगों ने कहा जर्नी में आप ध्यान से देखें किससे चले कहां चले. आर ई आर से. वेसाइकल. वेसाइकल इज अ पार्ट ऑफ एसिया. और वेसाइकल किसमें घुसा. गॉल्गी बॉडी. गॉल्गी बॉडी किस. सिस की. ट्रांस. और निकला कहां. ट्रांस. ट्रांस इज मैच्योरिंग. तो इस वाले फेज का नाम फॉर्मिंग और इसका मैच्योरिंग. तो फॉर्मिंग से घुसा मैच्योरिंग से निकला. गॉल्गी बॉडी ने अपनी प्रोटीन को बनाया कि नहीं बनाया. नहीं बनाया. प्रोटीन को क्या किया. मॉडिफाई. अच्छा उन्होंने कहा केवल प्रोटीन को मॉडिफाई किया. नहीं. एसईआर ने बनाए स्टेरॉइड. क्या बनाए. स्टेरॉइड एंड लिपिड. तो बताओ एसईआर ने क्या बनाए. लिपिड. फिर से बोलो. अभी पढ़ाया था. एसईआर ने क्या बनाया. लिपिड. लिपिड को भी भरा किसमें. वेसाइकल. फिर से बोलो. और वेसाइकल को कहां डाला. सिस. सिस की. ट्रांस. और ये वेसाइकल भी कहां से निकला. ट्रांस. अब बताओ इसमें लिपिड है कि ग्लाइकोलिपिड. तो लिपिड बनना
ऐसी है, लेकिन उसका ग्लाइकोलिपिड हो जाना, और इसलिए लोग बोलते हैं गॉल्गी बॉडी तीन काम करते हैं, PPT, प्रोसेसिंग पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट। प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल जो होगा वो प्रोसेस किया जाएगा, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल उसे पैक किया जाएगा, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल उसे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। और भाइयों बहनों, ट्रांसपोर्ट मैंने बताए थे, या तो सेल के अंदर, या तो सेल के और या तो सेल के, अगर सेल के अंदर छोड़ा गया तो छोड़ा जाएगा लाइसोसोम में, जो हमारा अगला स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर सेल के अंदर छोड़ा गया तो, और सेल के बाहर छोड़ा तो थ्रू मेम्ब्रेन। चार तरीके का डिफ्यूजन, सिंपल, फैसिलिटेटेड, ऑस्मोसिस तो वाटर का था, सिंपल, फैसिलिटेटेड और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। भूल गए आप लोग, याद है ना? भूल गए बेटा, भूल गए, याद है? आजकल शांत हो, टीचर की बात का बुरा मानकर ईगो मत किया करो। मैं तो तुम्हें डांटूंगा ही, मेरा हक नहीं है, है कि नहीं? खड़े हो, उसको मैंने इतना मारा है, वो अभी बाहर मिलेगा और वो मुझसे खुश हो जाएगा। आप कहोगे सर हम तो ऐसा नहीं, मार खा के खुश नहीं होते। ऐसा क्या कह दिया मैंने? तुम्हें कल मारा भी नहीं था कि सर आपने कह दिया था आधी गगरी छलकती ज्यादा है सर, और मेरी इंसल्ट हो गई, इसलिए मैं कल से शांत हो गया। शांत रहो लेकिन जवाब दो, जब मैं पूछूं जवाब दो। ऐसा नहीं कि तुम बुलबे ना करेंगे। रसगुल्ला लाओ कि नहीं लाओ? बैठो आप, तो ये नहीं लाए तो तुम ले आना बस। ठीक है, ठीक है, अब बताओ कहां से घुसोगे? सिस से। कहां से निकलोगे? और जब निकलोगे तो बताओ वही रहोगे कि मॉडिफाई? लिपिड का, प्रोटीन का। तो बताओ ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन कहां होता है? ईआर में। और ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड कहां होता है? कितने काम है? तीन। पी पी टी, व्हाट इज पी? व्हाट इज पी? पैकेजिंग। फिर व्हाट इज ट्रांसपोर्ट? तो बताओ गॉल्गी बॉडी अपना कोई भी सब्सटेंस कहां ट्रांसपोर्ट करेंगी? या तो सेल के बाहर, या तो सेल के अंदर। और भाइयों बहनों, सेल के बाहर छोड़ना, इट इज नोन एज सिक्रीशन। तो कई बार बोलते हैं चौथा काम है सिक्रीशन। यस, आप सिक्रीशन भी लिखिए, बताओ पीपीटी। यस, बताओ गॉल्गी बॉडी के कितने काम? चार। नंबर वन प्रोसेसिंग पैकेजिंग ट्रांसपोर्ट। और प्रोसेसिंग का मतलब प्रोटीन वही रहे कि बदल जाए? बदल जाए। तो प्रोटीन बन जाए ग्लाइको प्रोटीन और लिपिड बन जाए ग्लाइको। तो प्रोसेसिंग के आगे लिख लेना ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब चीजों में ग्लाइको जोड़ना, और ग्लाइको प्रोटीन में जोड़ना तो नाम बताओ ग्लाइको प्रोटीन, और अगर लिपिड में जोड़ना तो ग्लाइको। तो ये चार या पांच काम मेरे साथ चिल्ला लो, पी फॉर प्रोसेसिंग, पी फॉर पैकेजिंग, पी फॉर एस फॉर सिक्रीशन। पक्का? अब जरा स्पर्म का स्ट्रक्चर याद करो, याद है? हेड yes, याद है? हेड yes, में एक्रोसोम याद है? एक्रोसोम वाज अ मेड अप ऑफ, एक्रोसोम में क्या था? और याद करो एक्रोसोम ही आगे चल के एंजाइम निकालता था। अगर एंजाइम निकालना है तो प्रोटीन के होंगे। तो बताओ एक्रोसोम के पास प्रोटीन कहां से आई? ईआर से। लेकिन स्टोर किए हुए बैठा है, तो क्या किया है? प्रोसेसिंग पैकेजिंग ट्रांसपोर्ट। तो बताओ एक्रोसोम के पास एंजाइम है, हैं? अब पूछ लूंगा कुछ लोग बुरा मान जाएंगे, याद है? एक था हैलुरोनाइडेज, एक था एक्रोसिन, याद है? और एक था सीपीई। व्हाट इज सीपी? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। तो ये था गॉल्गी बॉडी। गॉल्गी बॉडी के फंक्शन एनसीईआरटी में इससे ज्यादा लिखे हैं क्या? कुछ और लिखा है? तो मैं अगली बार पूछूंगा ग्लाइकोसाइलेशन। अच्छा, एक छोटी सी एक्स्ट्रा चीज पढ़ाएं? पता नहीं, हो सकता है तुम पढ़ो कि ना पढ़ो। अगर किसी को अच्छा लगे तो ठीक, ना अच्छा लगे तो सोचना सुनील सर को पागलपन का दौरा 15 मिनट का पड़ा था और फिर उसके बाद वो ठीक हो गए थे।
बोलते थे चाहे जितना बड़ा तुम एमआरएनए ले आओ, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस वहीं से चालू होगी जहां पर क्या हो, एयूजी। फिर से बोलो, और एयूजी इज अ स्टार्ट कोडॉन। बोलो कौन सा कोडॉन? स्टार्ट कोडॉन, इट इज अ स्टार्टिंग कोडॉन। और एयूजी जो होता है वो मिथियोनिन नाम का अमीनो एसिड बनाता है, मिथियोनिन नाम का अमीनो एसिड बनाता है। ये मैं तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, जेनेटिक्स में दोबारा पढ़ा दूं। तो याद रखना, एमआरएनए से जब भी प्रोटीन बननी चाहिए, उस प्रोटीन का पहला अमीनो एसिड हमेशा क्या होना चाहिए? पर ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इसका मैं तुमको बीटा चेन ऑफ प्रोटीन बता सकता हूं, बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, ये तुम्हारे कोर्स में भी है, जिसका पहला अमीनो एसिड है वैलिन। बोलो क्या है? छठे पे है ग्लूटामिक एसिड, वो भी चेंज हो जाता है वैलिन। कुछ लोगों को दौरे पड़ने लगे, ये क्या होता है? याद है, मैं ये छठा पढ़ाना ही नहीं चाहता, मैं पहला पढ़ाना। पहला क्या है? तो सर तो फंस गए। सर अगर प्रोटीन सिंथेसिस हमेशा एयूजी से होती है, किससे होती है? तो उससे बनने वाली प्रोटीन का पहला अमीनो एसिड हमेशा क्या होना चाहिए? मिथियोनिन। पर हर बार प्रोटीन में पहला अमीनो एसिड मिथियोनिन, इसका मतलब है जो प्रोटीन चेन में लंबी चेन बनती है उसके सारे अमीनो एसिड कभी कभी रहते हैं और कभी कभी हटा दिए जाते हैं। और जब ये प्रोटीन के सारे अमीनो एसिड ना रख के हटा दिए जाते हैं तो बताओ प्रोटीन वही रहेगी प्रोसेसिंग की गई, और वो कहां हुआ? तो जितनी बड़ी प्रोटीन बनी, क्या वही उतनी ही बड़ी प्रोटीन आगे एंजाइम बनाएगी? नो। क्या वो बाद में प्रोसेस की जाएगी? और इसलिए हर प्रोटीन का पहला अमीनो एसिड जरूरी नहीं, लेकिन बनते समय ये जरूरी है कि वो क्या होगा? मिथियोनिन। लेकिन प्रोसेस होने के समय जरूरी नहीं है कि वो मिथियोनिन हो, और इसलिए उसे रखा जाएगा कि हटा भी जा सके। और इसका बढ़िया उदाहरण है बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन का पहला अमीनो एसिड, इसका मतलब प्रोटीन जो बनती हैं वो वैसी रहती हैं कि प्रोसेस हो जाते हैं। तो बताओ तीन काम, पी पी टी, पी फॉर पैकेजिंग, पी फॉर ट्रांसपोर्ट, सिक्रीशन, याद रहेगा। तो क्या प्रोटीन का साइज छोटा होना बड़ा होना भी काम गॉल्गी बॉडी का है? यस। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनाना भी, सिक्रीशन करना भी, पैकेजिंग करना भी, ट्रांसपोर्ट करना भी। ट्रांसपोर्ट या तो सेल के अंदर या तो सेल के बाहर। अभी भी नहीं आया। कितने एंडोमेम्ब्रेनस पढ़ लिए? चार। पहला कौन? दूसरा? ईआर और गॉल्गी बॉडी में दोनों में सिमिलरिटी क्या है? दोनों एक ही जैसे स्ट्रक्चर के बने, दोनों में वेसाइटिब्यूल, तीसरों में वेसाइकल। बताओ किसका वेसाइकल किसके अंदर घुसता है? ईआर का वेसाइकल गॉल्गी बॉडी के अंदर घुसता है, किस वेस में? और ये एनसीईआरटी की लाइन जहां मिल जाए अंडरलाइन कर लेना कि ईआर से निकला हुआ वेसाइकल किस फेज में घुसता है? सिस। और सिस फेज में घुस करके ट्रांस फेज से निकलता है, और जब निकलता है तो प्रोटीन वही रहती कि मॉडिफाई? क्या प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन हो गई है? क्या प्रोटीन छोटी भी हो चुकी है? क्या किसी को ये लाइन मिली कि वेसाइकल ऑफ आर ई आर इंटर इनटू द सिस फेज? मिला? तो बताओ वेसाइकल दोनों जगह है, कहां में भी और? नाउ द थर्ड इज लाइसोसोम। इट इज लाइसोसोम। लाइसोसोम आर सिंगल मेम्ब्रेनस सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स विच स्टोर एंजाइम्स। लाइसोसोम आर सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर विच स्टोर एंजाइम्स।
लाइसोसोम वॉज डिस्कवर्ड बाई डेडवे. लाइसोसोम वॉज डिस्कवर्ड बाई डीडुए और द डेडुए. याद रखना लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है. सो वी कैन से लाइसोसोम आर वेसाइकल्स. अब कुछ लोग घबरा जाएंगे. बताओ ईआर एक की तीन सिस्टर्नी वेसाइकल गॉल्जी बॉडी तीन सिस्टर्नी वेसाइकल ट्यूब्यूल. लाइसोसोम में नो सिस्टर्नी नो ट्यूब्यूल ओनली ओनली. याद रखना लाइसोसोम की खास बात है दे स्टोर हाइड्रोलिटिक एंजाइम. स्टोर हाइड्रोलिटिक एंजाइम. और एक फ्रेज लिखेंगे सारे लोग यहां पर एक फ्रेज लिखेंगे और ये हमेशा ट्रुथ रहेगी एवरी टाइम. ऑल द डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर हाइड्रोलिटिक इन नेचर. ये कभी लाइन ये कभी खराब नहीं होगी. इस दुनिया में जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है वो हाइड्रोलिसिस करते हैं. क्या करते हैं? दे ब्रेक बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. दे ब्रेक द बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. एंड दोज एंजाइम विच ब्रेक द बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर दे आर नोन एज हाइड्रोलिटिक एंजाइम. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे प्रोटीन को डाइजेस्ट कराना है तो हमारे पास जो एंजाइम होगा इट इज नोन एज प्रोटीनेज या फिर प्रोटीएज. दोनों ही चलेगा, दोनों ही चल जाएगा. अगर मुझे स्टार्च मतलब एमाइलो को डाइजेस्ट कराना है दैट इज एमाइलेज. अगर मुझे न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट कराना है यस इट इज नोन एज न्यूक्लियस. और अगर मुझे लिपिड को डाइजेस्ट कराना है इट इज लाइपेज. अगर मुझे सुक्रोज को डाइजेस्ट कराना है कार्बोहाइड्रेट को जरा डाइजेस्ट कराना है कार्बोहाइड्रेज. तो इनके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं. सो दे हैव द डाइजेस्टिव एंजाइम. और अब मेरी सेंट्रल डॉग्मा की फेज पूरी होती है. जो लोग भी दिमाग लगाएंगे वो समझ में आ जाएगा. न्यूक्लियस बोलो क्या? न्यूक्लियस में डीएनए बोलो क्या? डीएनए से क्या बना? एमआरएनए. कहां गया? ईआर. कहां गया? कौन सा ईआर? क्या बनाई? प्रोटीन. शाबाश. प्रोटीन गई गॉल्गी बॉडी. बोलो क्या? इसको पैकेट किया गया और प्रोटीन को पैकेट करके बनाए गए एंजाइम. फिर से बोलो तो बताओ एंजाइम कहां गए? लाइसोसोम. तो ये वो बात थी जो मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा था. बताओ ये स्ट्रक्चर से जुड़े कि फंक्शन से? न्यूक्लियस में क्या है? डीएनए से क्या बना? कहां गया? आरईआर से. प्रोटीन कहां गई? गॉल्गी बॉडी में पैक हुई, मॉडिफाई हुई, प्रोसेस हुई, क्या बनाया, कहां पैक हुई? तो लाइसोसोम के पास एंजाइम आए हैं नो डाउट, पर किसके थ्रू? सेंट्रल डॉग्मा. और सेंट्रल डॉग्मा कहता है कि डॉग की मम्मी का नाम डॉग्मा ना. सेंट्रल डॉग्मा क्या कहता है? डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन और प्रोटीन से एंजाइम. जैसा डीएनए वैसा एमआरएनए, वैसी प्रोटीन वैसा एंजाइम. लोगों को सेंट्रल डॉग्मा दिखती है, मुझे एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम दिखता है. न्यूक्लियस बोलो क्या? आरिया गॉल्गी बॉडी.
एक दूसरे के साथ, स्ट्रक्चर्स के साथ की फंक्शन। तो लोगों को सेंट्रल डॉगमा दिखता है, मुझे इसमें स्ट्रक्चर ऑर्गेनल दिखाई पड़ता है। डीएनए कहाँ? न्यूक्लियस। एमआरएनए कहाँ? आरिया। प्रोटीन बनाएगा? प्रोटीन बनाकर कहाँ गया? गॉल्गी, गॉल्गी बॉडी। और प्रोटीन के बाद क्रॉसिंग हुई, एंजाइम बनाया, कहाँ स्टोर हुआ? वन मोर थिंग, सब लोग ध्यान सुनेंगे, दुनिया के बाकी डाइजेस्टिव एंजाइम एसिडिक पीएच में भी काम कर सकते हैं, अल्कलाइन पीएच में भी काम कर, स्टमक के एंजाइम, फिर से इंटेस्टाइन के अल्कलाइन, पैनक्रियास के अल्कलाइन, सलाइवा के एसिडिक, तो बाकी एंजाइम एसिडिक और अल्कलाइन दोनों पीएच पे काम कर सकते हैं, लेकिन लाइसोसोम के एंजाइम, बोलो, दे ऑलवेज वर्क अपॉन एसिडिक पीएच, केवल एसिडिक पीएच पे काम करते हैं, बिलो 7, बिलो 5 पे ही काम करते हैं, एक्चुअली 5 पीएच से कम पे ही काम करते हैं, 1 से लेकर के 5 पीएच तक में ही काम करते हैं। बताओ पीएच स्केल 0 से 14 है कि 1 से 14? पता नहीं, ये भी नहीं मालूम। 7 अगर है तो न्यूट्रल की एसिडिक की बेसिक, 7 से ज्यादा एसिडिक और 7 से कम एसिडिक, एसिडिक पीएच पर ये काम करते हैं, यानी 7 से कम ज्यादातर समय पर बिलो 5, पीएच अगर 5 से कम हो तो काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। नींद आ रही है? छींक आ रही है, अच्छा उनका नींद आ रही है। चलो भाई, जितने लोगों से मैं पूछता जाऊं बताते जाओ, लाइसोसोम डबल मेम्ब्रेनस की सिंगल, क्या इनमें एंजाइम है? और एंजाइम कैसे हैं? डाइजेस्टिव। कैसे हैं? पर बुक में डाइजेस्टिव नहीं लिखा होगा, क्या लिखा होगा? हाइड्रोलिटिक। फिर से बोलो, और हाइड्रोलिटिक एंजाइम को डाइजेस्टिव बताने के लिए मैंने एक लाइन लिखाई, ऑल द डाइजेस्टिव एंजाइम आर हाइड्रोलिटिक। क्या मैंने उल्टा बोला? और हाइड्रोलिटिक आर डाइजेस्टिव, गलत मत बोल देना, ऑल हाइड्रोलिटिक आर नॉट डाइजेस्टिव बट ऑल डाइजेस्टिव आर हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो बताओ प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले प्रोटीएज, ओके प्रोटीएज, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले प्रोटीएज, लिपिड को, कार्बोहाइड्रेट को, एमाइलो को, न्यूक्लिक एसिड को, क्या ये सारे एंजाइम हाइड्रोलिटिक है? और क्या ये सारे एंजाइम आपको लाइसोसोम में मिल सकते हैं? और लाइसोसोम के एंजाइम पीएच किस पे काम करेंगे? एसिडिक पीएच, 5 से कम कि 5 से ज्यादा? नींद आ रही है? यस सर। अब देखो, बोलते हैं कल हमने पढ़ी थी एंडोसाइटोसिस, खड़े हो हीरो, नींद आ रही है? नहीं नहीं, उसको मालूम है किसे खड़ा होना है। कल भाई मैंने तुमको पढ़ाई थी एंडोसाइटोसिस, क्या पढ़ाई थी? मतलब ये मान लो अमीबा है और अमीबा करना चाहता है एंडोसाइटोसिस, बताओ क्या क्या होती है एंडोसाइटोसिस? व्हाट इज एंडोसाइटोसिस? यस यस बिंदास बोलो, और ये मुझे दुखी करता है चीज, बैठ जाओ, एक तो तुम सो रहे हो, ऊपर से क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे हो। मान लीजिए अमीबा को मिला फूड, क्या मिला? फूड। अब ध्यान से देखते जाओ, सब लोग इधर देखो, तो वो फूड को अंदर लेने की कोशिश करेगा सेल के अंदर, क्योंकि अमीबा मल्टी सेलर है। और जब अमीबा फूड को सेल के अंदर लेने की कोशिश कर रहा होगा तो वो बनाएगा फूड वैक्यूल, क्या बनाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बल्ज होकर के फूड को अंदर ले लेगी, यानी पॉकेट बना करके फूड को अंदर ले लेगी। फूड को अंदर लेना इट इज, अगर फूड सॉलिड है तो, अगर लिक्विड है तो पिन्नो, बोलो क्या? और कुछ देर बाद ध्यान सुनना, कुछ देर बाद
इट विल कन्वर्ट इनटू फूड वैक्यूल. किसमें? तो फूड वैक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है? पता नहीं सर. फूड प्रेजेंट है? नो सर. और फूड जो प्रेजेंट है वो मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा. ये मेम्ब्रेन किसका पोर्शन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और ये डाइजेस्ट होना चाहता है. क्या होना चाहता है? इस डाइजेस्ट होने के लिए सबसे पहले लाइसोसोम आएंगे. कौन से? क्या इनमें एंजाइम है? जो अभी अभी लाइसोसोम बना है इट इज नोन एज प्राइमरी लाइसोसोम. देखो भाई, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम भूल जाओगे, पर एनसीईआरटी में इनके दो पोर्शन दिए हैं. प्राइमरी नहीं दिया, सेकेंडरी और टर्शियरी दिया, यानी सेकेंडरी और रेजिडुअल बॉडी दिया, इसलिए मैं पूरा पढ़ा रहा हूं. कहां दिया वो मैं पढ़ा दूंगा. प्राइमरी लाइसोसोम वो होता है जो अभी अभी गॉल्गी बॉडी से बना है. अभी अभी गॉल्गी बॉडी से बना है. पहले ये होगा ईआर, ईआर से गॉल्गी बॉडी से वेसाइकल जो अभी भी बना उसका नाम. अब ये प्राइमरी लाइसोसोम फूड वैक्यूल के साथ अटैच हो जाएगा एंड दिस इज नोन एज सेकेंडरी लाइसोसोम, ऑल्सो नोन एज फैगोसोम. और जब ये इस मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाएगा तो इसको ट्रांसपोर्ट करेगा एंजाइम. क्या करेगा? और एंजाइम जब अंदर जाएंगे तो फूड बचेगा कि डाइजेस्ट? क्योंकि अमीबा के पास एलिमेंट्री कैनाल होती है? नहीं होती. तो एक दिन खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, और जब खाना डाइजेस्ट हो जाएगा उसके बाद भी कुछ बेटा फीकल मैटर बचेगा. क्या बचेगा? जो डाइजेस्टेड है कि अनडाइजेस्ट, उसको निकालने के लिए अमीबा के पास एनस नहीं है. तब इसके साथ लाइसोसोम भी बेटा अटैच होकर के आ जाएंगे एंड इनकी बॉडी का नाम होगा रेजिडुअल बॉडी. बोलो क्या नाम है? तो लोग बोलते हैं भाइयों बहनों कि कुल मिलाकर के लाइसोसोम चार प्रकार के. कितने प्रकार के? पहला प्राइमरी लाइसोसोम, दूसरा सेकेंडरी लाइसोसोम, तीसरा रेजिडुअल. कितने प्रकार के? ना कितने प्रकार के? चार. पता है कितने? पगला गए सर. यस, इसमें जो चौथा प्रकार है, फोर्थ टाइप है, इट इज नोन एज ऑटोफैगोसोम. ऑटोफैगोसोम होता यूं है कि कुछ बेटा ऑर्गन आपके रेजिडुअल ऑर्गन हो जाते हैं. मान लीजिए कोई एक छिपकली है, वो अपनी पूंछ को काट के फेंक देने, वो तो गड़बड़ हो जाएगा. मान लीजिए आपकी कोई एक सेल है जो खराब हो चुकी है और वो सेल अब अपना जीवन खत्म कर चुकी है और अब ये सेल अनवांटेड है. कैसी है? तो होगा क्या, इस सेल के अंदर कुछ लाइसोसोम जो होंगे वो अपने एंजाइम को बस्ट कर देंगे, और जब अपने एंजाइम को बस्ट कर देंगे तो बताओ सेल के अंदर जितना भी मटेरियल होगा वो बचेगा कि डाइजेस्ट होगा? तो अपने आप को खा जाने वाला सोम, दैट इज नोन एज ऑटोफैगोसोम. तो अगर बेटा लाइसोसोम सेल के अंदर फट जाए तो सेल बचेगी कि सेल डाइजेस्ट हो जाएगी? तो सेल डाइजेशन हो जाएगा और सेल खत्म हो जाएगी. इसीलिए कहते हैं कभी कभी कुछ बेटा लाइसोसोम जो होते हैं वो अपने आप को, अपनी सेल को खा जाते हैं, दैट इज नोन एज ऑटोफैगोसोम. और इस तरीके से अपनी पुरानी सेल को निकाला जाता है. याद रखना, दैट्स वाई सम टाइम दे आर आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग. बोलो कौन सा? क्या ये आत्महत्या की बैग है? जिस कोशिका में ये फटे वो कोशिका बचेगी कि मर जाएगी? तो अपने आप को मार देना इट इज सुसाइड. तो बताओ इसीलिए इस बैग का नाम सुसाइड है. तो लाइसोसोम का पूरा दूसरा नाम सुसाइड है. बताओ लाइसोसोम टोटल कितने प्रकार के हैं? चारों बता पाओगे? बोलो कौन? प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, रेजिडुअल बॉडी, ऑटोफैगोसोम. नहीं आया? अभी मैंने केवल क्या पढ़ाया? लाइसोसोम. तो बताओ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में कितने सिस्टम पढ़ा दिए? पता ही नहीं. हटा दें? पहले तीनों पूछेंगे तभी आगे बढ़ेंगे. कुछ लोग सो गए, देखा मैंने, देखा एक्चुअली देखा मैंने. क्या पंखा चलवाएं? नहीं तो तुमको नींद आ जाएगी. तुम तो दो बार झपकी मार चुके हो, कसम मम्मी की तुम दो बार झपकी मार चुके हो.
हमने देखा है। अच्छा तुम वो आंख बंद करके मतलब ध्यान लगा रहे हो, मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आंख बंद करके ध्यान लगा रहे हो? यस सर। और फिर जब आंख बंद के ध्यान लगा रहे हो तो जमाई भी आ गई होगी, है ना? काहे पढ़ा रहे हैं? एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम जो होता है वो स्ट्रक्चरली जुड़ा होता है। स्ट्रक्चरली की फंक्शनली फंक्शनली अच्छा कितने लोग थे? दो लोग थे। आइटम होगा अभी तो तुम सवेरा हुआ नहीं, दूसरा दिन तो हुआ नहीं, आज ही का आज भूल रहे तुम। अभी देखना अभी एक चुटकुला सुनाओ सब समझ। अच्छा जाग गए। जब मैं मेडिकल कॉलेज में पहुंचा तो मुझे पता चला कि लाइसोसोम एक प्रकार के कि चार तो चार प्रकार के हैं, प्राइमरी सेकेंडरी रेसिडुअल ऑटो। इसमें कौन है सुसाइडल बैग? ऑटोफेगोसोम अपने आप को डाइजेस्ट कर देगा। थैंक यू वेरी मच। नाउ द वैक्यूल, इट इज द फोर्थ वन वैक्यूल। ना चाहते हुए भी पढ़ना पड़ रहा बच्चों को। सर साइकोलॉजी ऐसी क्यों है सर, या फिर आप इतने ज्यादा बोरिंग क्यों हो सर? दोनों ही बातें हैं कि है। ऐसी ऐसी जमाइयां लोग मार रहे, ऐसे ऐसे तगड़े तगड़े, कुछ लोगों ने तो मास्क पहन लिया कि जमाई आए दिखे ना। अब कुछ लोग आधे में आकर के रोकते हैं, वो देखते हैं सुनील सर देख रहे, पहले तो जमाई लेने के मूड में तो मेरी नजर पड़ जाती है। मैं इसे इधर पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते अचानक मुड़ा, एक ने पूरा भर लिया था सांस। अब कुछ ऐसे करते हैं, अब पूछते हैं बेटा लाइसोसोम सुनील सर है लाइसोसोम वैक्यूल यार पढ़ाए जा रहे आइटमों का सर छोड़ो हमको नहीं पढ़ना है ना, पढ़ना है बेटा जिंदगी में सब कुछ ना करना लेकिन पढ़ना कभी मत छोड़ना है ना। धीरे धीरे ही सही मगर चलते रहे आवा बिना कुछ कहे ताली बजाना। हमको नहीं पसंद है ताली वाली बजाना, बिल्कुल नहीं पसंद। जब ताली बजती तो हमें लगता है हमने पढ़ाई छोड़कर कुछ बदतमीजी वाली बात कही, क्योंकि तुम अच्छी बातों में ताली आज तक बजाए ही नहीं बेटा। हमारे सर थे वो कहा करते थे, अभी भी कहते हैं जब कभी भी पढ़ा रहे होते हैं ऑनलाइन तो कहते हैं सर, सर का क्या नाम है, एक ही तो सर है जिन्होंने सबको बनाया जी, आदरणीय सिंह सर। तो वो हमसे कहा करते थे देखो उन्होंने हमको डॉक्टर भी बनाया, मास्टर भी बनाया, सब कुछ बनाया। पहले पढ़ा पढ़ा के डॉक्टर बनाया, और जब पढ़ लिए तो कहते हैं पढ़ाओ, फिर हमको पढ़ाते पढ़ाते पढ़ाना सिखाया और फिर मास्टर बनाया। तो उन्हीं ने उनकी कृपा है, रोटी पानी चल रहा, तो जब हम अपने गुरुदेव की बात करते हैं तो उन्हीं करते हैं। तो वो ये कहा करते हैं कि नहीं कहेंगे टा कहें हाँ, तो कहते हैं कि बुझ गई क्षमा। क्षमा मतलब समझते हो? उर्दू में है तो बुझ गई क्षमा, तो फिर जल सकती है, और मायूस ना हो तकदीर किसी भी वक्त। तो उसके लिए क्या करना है? सो जाना है, जमाई लेना है, ना सोना है ना जमाई लेना है, पढ़ना है, पढ़ना है। चलो भाई, सो वैक्यूल इज सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ये भी एक सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। एंड इट हैव इनसाइड इट सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर विच कंटेन
विच कंटेन वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, कि वैक्यूल एक सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसके अंदर तीन चार चीजें हो सकती हैं। एक तो हो सकता है वाटर, एक होता है सैप। यकीन मानिए मैंने पहली बार क्वेश्चन गलत किया था और जब मुझसे पूछा गया था व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द सेल सैप या फिर वेयर द सेल सैप इज प्रेजेंट, मुझे लगा सेल सैप साइटोप्लाज्म को कहते होंगे, किसको, तो मैंने सेल सैप मतलब साइटोप्लाज्म लगा दिया था, जो सही है कि गलत है। सेल के अंदर प्रेजेंट सैप इट इज नॉट साइटोप्लाज्म, इट इज द मटेरियल ऑफ वैक्यूल, मटेरियल ऑफ। तो इसके अंदर वाटर है, इसके अंदर सैप है एंड दैट सैप इज नोन एज, और इसके अंदर एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस। एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस और बोलते हैं ये क्यों है इसको समझने की जरूरत है, बिकॉज इस वैक्यूल को जो सराउंड करने वाली मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट। बोलो क्या नाम है, और मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाते वक्त पढ़ाया था दुनिया की कोई भी मेम्ब्रेन, फिर से बोलो, अगर वो नेचुरल है, अगर वो तो उसमें यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट लगेगा, क्या लगेगा, यानी उसमें बना होगा प्रोटीन लिपिड, लिपिड प्रोटीन, या फिर सिंगर निकोलसन मॉडल लगेगा, क्या, दैट इज नोन एज फ्लूइड मोज़ेक। इसका मतलब टोनोप्लास्ट किसकी बनी है, वही दो चीज, बोलो कौन, एक कौन प्रोटीन, प्रोटीन है, और एक कौन फॉस्फोलिपिड, फिर से बोलो, और याद रखना अगर ये प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बनी है तो इसका काम है ट्रांसपोर्ट, बोलो क्या, और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगी, पैसिव की एक्टिव, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, शब्द याद रखना एक्टिव ट्रांसपोर्ट, किसी को याद है व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अलोंग कंसल्टेशन के अगेंस्ट, सारा अगेंस्ट कंसल्ट, अलोंग के अगेंस्ट, और ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन अंदर ले जाएगी और सेल्स है और सब्सटेंसेस, जितने अनवांटेड सब्सटेंसेस होंगे, जितने भी अनवांटेड सब्सटेंसेस होंगे उनको कहां रखा जाएगा, वैक्यूल के अंदर। एक क्या जबरदस्त क्वेश्चन आया 2017 या 18 का होगा बेटा, मुझे सन भूल जाता हूं, मैं पहले से बता रहा हूं, लेकिन इतना जबरदस्त क्वेश्चन आया है, एनसीईआरटी का ही लेकिन थोड़ा मॉडिफाई था। उन्होंने बोला देयर इज वन पिगमेंट नोन एज एंथोसायनिन, बोलो क्या नाम है, एंथोसायनिन, एंथो का मतलब होता है फ्लावर, साइनिन का मतलब ब्लू, तो ब्लू फ्लावर या पर्पल फ्लावर कलर जिस पिगमेंट से आता है उसका नाम एंथोसायनिन, इट इज फ्लोरल पिगमेंट, फ्लावर का पिगमेंट है, और पूछा गया पिगमेंट एक्चुअली मेम्ब्रेन में होने चाहिए, किसमें होने चाहिए, जैसे क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, भूल गए, कैरोटीन पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, लेकिन ये सिंगल बेटा पिगमेंट है जो पाया जाता है कहां, सेल सैप, कहां पर, इसका मतलब एंथोसायनिन नाम का जो पिगमेंट है इट इज प्रेजेंट इन वैक्यूल, कौन सी वैक्यूल, कौन सा वैक्यूल, दैट इज सेंट्रल वैक्यूल, और ये सेंट्रल वैक्यूल प्लांट के केस में स्मॉल की लार्ज, और बोलते हैं प्लांट की सेल का लगभग 90% पोर्शन, कौन सा 90% पोर्शन केवल वैक्यूल का है, और उसके चारों तरफ हितेन बाबू खड़े हो, एल्गी में वैक्यूल के चारों तरफ प्रेजेंट साइटोप्लाज्म का नाम, मारेंगे तो बुरा मान जाओगे, हाँ मारना मेरा काम है, स्टार्च सीथ, एनीवन इन क्लास,
गुड यस बोलो इट वॉज द प्रिमॉर्डियल यूट्रिकल वेरी गुड ओनली 3% तीन लोगों चार लोगों को मालूम है बस जब भी बीच में वैक्यूल आएगा तो इस वैक्यूल में साइटोप्लाज्म आएगा कि नहीं आएगा नहीं आएगा इसमें क्या आएगा सेल सैप तो बताओ साइटोप्लाज्म बीच में रहेगा कि पेरीफेरी और एल्गी के केस में किस केस में ये जो साइटोप्लाज्म पेरीफेरी में चला जाता है इस साइटोप्लाज्म के पेरीफेरी में जाने के बाद इसका एक नाम दिया गया बोलो प्रिमॉर्डियल यूट्रिकल क्या नाम था पढ़ाया है बेटा जाके घर में दोबारा देखना कौन सा यूट्रिकल और याद रखना इसका मतलब है प्लांट के केस में ये जो बेटा वैक्यूल है कितना परसेंट रखता है 90% बाकी साइटोप्लाज्म कहां गया वैक्यूल के अंदर की बाहर हाँ और बताओ सेंटर में कि पेरीफेरी में और रिंग से साइटोप्लाज्म बचेगा चारों तरफ दैट इज नोन एज प्रिमॉर्डियल नहीं लिखाऊंगा दोबारा एल्गी में लिखा चुका क्योंकि यहां प्लांट पढ़ा रहा हूं प्लांट में प्रिमॉर्डियल यूट्रिकल नहीं होता कहां होता है एल्गी चलो बोलो वैक्यूल डबल मेम्ब्रेनस की सिंगल और क्या सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है इसके अंदर वाटर है सैप है एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है अनवांटेड चीजें हैं बताओ प्लांट के केस में कितना परसेंट स्ट्रक्चर रहता है 90% और इसकी मेम्ब्रेन का नाम भूल गए मेम्ब्रेन का नाम क्या ये सेमी परमिबल है यस सर बताओ ये पैसिव ट्रांसपोर्ट करेगी एक्टिव एक्टिव चीजों को एक्टिवली अंदर डाला जा रहा है बताओ एक्टिवली क्या अंदर डाला जा रहा है वाटर और एक्सक्रीटरी सब्सटेंस अलोंग कंसंट्रेशन के अगेंस्ट तो बताओ ये वैक्यूल का साइज घटता रहेगा कि बढ़ता रहेगा और प्लांट के केस में ये सबसे बड़ा कि छोटा बड़ा बताओ क्या एनिमल के केस में भी ये वैक्यूल होते हैं यस पर ये वैक्यूल लार्जर के स्मॉलर स्मॉलर आगे बढ़े नहीं सर हाँ बोलो अब बताओ वैक्यूल डबल मेम्ब्रेनस की सिंगल और इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है साइटोप्लाज्म की सेल्स है सेल्स वाटर होता है एक्सिडी सब्सटेंस होते हैं मेम्ब्रेन का नाम पक्का अच्छा छोटी सी कहानी सुनना हालांकि तुम्हारा मन नहीं कर रहा होगा घड़ी की तरफ देख के मन नहीं करता कई बार लेकिन अब करोगे क्या पढ़ना तो है बताओ अमीबा का नाम सुना है और अमीबा एक प्लांट है अमीबा प्लांट है कि एनिमल तो बताओ सेल वॉल है कि नहीं अब इधर देखो सब लोग इधर देखो अमीबा के पास अपना न्यूक्लियस है और अमीबा के पास साइटोप्लाज्म है क्या बेटा साइटोप्लाज्म मतलब सॉल्यूशन की सॉल्वेंट सॉल्यूएंट वाह मेरे बच्चे अरे चीनी को पानी में घोला तो पानी बचा चीनी बचा कि शरबत शरबत इज अगर बेटा साइटोप्लाज्म में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है तो और अगर मैं बोलूं कि बेटा साइटोप्लाज्म होना एक सॉल्यूशन होने के बराबर है तो सही है कि गलत है गलत है और अब मैंने ऐसे अमीबा को फ्रेश वाटर में रखा किसमें रखा जरा ध्यान से देखना फ्रेश वाटर में रखा और जैसे ही मैंने फ्रेश वाटर में रखा कुछ लोग तो ऑस्मोसिस समझते होंगे वाटर अपनी हायर कंसंट्रेशन से सर ये कैसे जाना कि यहां लोअर कंसंट्रेशन अरे बेटा यहां सॉल्यूशन है और यहां प्योर वाटर बोलो क्या है प्योर वाटर इज 100% वाटर और यहाँ वाटर के साथ सॉल्यूट है तो वाटर बाहर ज्यादा कि कम और यहाँ तो पानी अंदर जाएगा और पानी अंदर गया तो बताओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का साइज घटेगा अगर बेटा ये बढ़ने लगा तो अमीबा की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेशर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिजिड है कि फ्लूइड है भूल गए रिजिड की फ्लूइड और अगर फ्लूइड है तो बताओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बचेगी कि बस्ट तो बताओ अमीबा बचेगा कि मर जाएगा पल्ले ही नहीं पड़ा पड़ा अब अमीबा एक जुगाड़ ढूंढता है और उस जुगाड़ का नाम है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बोलो क्या नाम दीज आर द सिंपल वैक्यूल और कॉन्ट्रेक्टाइल जैसे ही किसी अमीबा को फ्रेश वाटर में रखो कहां रखो तो ये एक्स्ट्रा पानी को साइटोप्लाज्म में लाता है कि वैक्यूल के अंदर और वैक्यूल अपना साइज छोटा करेगा कि बड़ा
और वैक्यूल बढ़ता जाएगा बजाय साइटोप्लाज्म। तो बताओ देर से फटेगा कि जल्दी? देर, नो डाउट। अगर फिर भी रख ही रहा तो फट ही जाएगा अमीबा, लेकिन फिर भी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के लिए एक स्पेशल वैक्यूल होता है, नाम बताओ। और एनसीईआरटी में जहां पर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल लिखा है प्लीज अंडरलाइन कर लो। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल वो वैक्यूल होते हैं जो एक्स्ट्रा वाटर को कंटेन कर लेते हैं। लिखा है कि नहीं लिखा है? बताओ ये कहां मिलेंगे? अमीबा में। और ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल करते हैं ऑस्मोसिस का रेगुलेशन, ऑस्मोसिस का, दैट इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन। और ज्यादातर समय पर प्रोटोजोआ अमीबा में पाए जाते हैं। तो प्लांट में एक वैक्यूल था, दैट वाज द नॉर्मल वैक्यूल। कैसा वैक्यूल था? लेकिन एनिमल में भी एक वैक्यूल हुआ और उसका नाम क्या है? कॉन्ट्रेक्टाइल। और यहां पर भी एक्टिव पल्सेशन है। अब बताओ इसी अमीबा को, फिर से सुनो, इसी अमीबा को मरीन वाटर में रख दूं, किसमें? अगर मरीन वाटर में रख दिया, ध्यान सुनो, तो उसके पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल छोटा था पहले कि बड़ा? बड़ा, छोटा था। अब बताओ कहां रख दिया? खारे पानी में। तो खारे पानी का कंसेंट्रेशन कम कि ज्यादा? तो बताओ अंदर पानी ज्यादा, बाहर? तो बताओ ये पानी लॉस करेगा साइटोप्लाज्म से कि वैक्यूल से? तो वैक्यूल का साइज छोटा कि बड़ा? छोटा। तो अगर अमीबा को तुमने खारे पानी में रखा तो अमीबा छोटा होगा कि वैक्यूल? अमीबा छोटा, वैक्यूल छोटा होगा। और अगर अमीबा को फ्रेश वाटर में रखा तो अमीबा बड़ा होगा? तो जो वैक्यूल छोटा या बड़ा हो सके, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सके, उसका नाम। और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किसे रेगुलेट करता है? ऑस्मोसिस, एंड दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। तो भैया एक वैक्यूल तो आ गया कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, और एक वैक्यूल अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था एंडोसाइटोसिस के दौरान, नाम बताओ, फूड वैक्यूल। तो बताओ तीन वैक्यूल पढ़ा दिए मैंने, बोलो पढ़ाओ कौन कौन? भूल गए, एक प्लांट वैक्यूल था उसके अंदर पानी था कि सैप था? एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, इसके अंदर सैप है कि वाटर? वाटर, नाम है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। और एक कौन है? फूड वैक्यूल। सेल ने एंडोसाइटोसिस की थी, खाना अंदर आया था, खाना अंदर आया था तो फूड वैक्यूल के अंदर सैप की फूड। देखो सुन लो एक बात, मुझे मालूम है तुम जल्दबाजी में सुनते नहीं हो। नॉर्मल वैक्यूल में सेल सैप, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में वाटर, वाटर एंड मिनरल। 5 मिनट और दो, जो जो मैं पूछता जाऊं जवाब देते जाओ, फिर घर चले जाना। हाँ भाई, नॉर्मल वैक्यूल में, प्लांट वैक्यूल में सेल सैप, बोलो शाबाश, बहुत बढ़िया। अच्छा बताओ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में वाटर एंड मिनरल, वाटर एंड, और फूड वैक्यूल में फूड। और अब तो मेघा जी को आज मारना ही है क्योंकि उन्होंने 2 क्लासेस छोड़ी है, तो आज मेरा मन इनको बिना मारे छोड़ने का मन नहीं कर रहा। देयर इज अ थर्ड वैक्यूल नोन एज स्यूडो वैक्यूल। अब मैं केवल एक क्लू दे रहा हूं, अगर तुमने बता दिया तो तुम बच जाओगे, और जिसने भी इनकी मदद की वो मारा जाएगा। स्यूडो वैक्यूल आर द वैक्यूल, खड़ी हो, बट दे आर नॉन मेम्ब्रेनस, दे आर, याद रखना, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की मेम्ब्रेन का नाम है कंडेंसेशन मेम्ब्रेन, बोलो क्या नाम है? यस, फूड वैक्यूल की मेम्ब्रेन में भी मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट देयर आर स्यूडो वैक्यूल जो नॉन मेम्ब्रेनस है, जनरली प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं। अब इससे ज्यादा क्लू नहीं बता सकते, बताओ, साइटोलॉजी तो तैयार है ना तुम्हारी? हाँ, अब आ जाओ इधर, चलो आओ, लाजो डंडा खाना चाहिए इनको, अच्छी खासी सिलेक्शन के कगार पे खड़ी हैं ये। इस बार इनके नंबर 500 कितने आए? 40, 10, 530, भी इसको 60-70 के आसपास हैं। एकदम सिलेक्शन के लिए कगार पे खड़ी हैं ये, फाउंडेशन बैच की बच्ची हैं, पहला साल है इनका तैयारी का फाउंडेशन के बाद। सी इज डूइंग गुड, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस इनको मार डालेगा। वो कौन सा? बाकी लोगों को मालूम है, साइनो बैक्टीरिया में है, पर्पल बैक्टीरिया में है, ग्रीन बैक्टीरिया में है, गैस वैक्यूल, एंड दे आर नोन एज इंक्लूजन बॉडी। मेम्ब्रेनस की नॉन मेम्ब्रेनस, भाग जाओ।
तो टोटल हो गए चार वैक्यूल, कितने? चारों याद है? प्लांट वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल, गैस वैक्यूल, दैट इज अ रियल वैक्यूल और सूडो वैक्यूल, क्योंकि उनके मेम्ब्रेनस की नॉन मेम्ब्रेनस इंक्लूजन बॉडी है। और कितनी जगह पर पाई गई? तीन। अब वो देख रहा कि है कि नहीं है, तीन बोलो कौन कौन? साइनो बैक्टीरिया, ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल। और बोलोगे सर आप तो आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ाते हो, नॉट इवन सिंगल थिंग इज फ्रॉम आउट ऑफ एनसीईआरटी। बताओ आपकी बुक में गैस वैक्यूल है? yes, कहां पर? प्रोकैरियोट। फूड वैक्यूल है? yes, यही लिखा है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है? yes, प्लांट वैक्यूल है? yes, 90% जो साइज ले जाएगा वो कौन? प्लांट वैक्यूल। जिसकी मेम्ब्रेन कम या ज्यादा होती रहेगी? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। हाँ, जो अपने अंदर फूड रखेगा, जो नॉन मेम्ब्रेनस है, क्योंकि बेटा इंक्लूजन बॉडी में मेम्ब्रेन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो यूकैरियोट की प्रोकैरियोट, और प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। तो आज एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम हो गया, कल जो है हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया गॉल्गी बॉडी आगे, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया और बाकी चीजें पढ़ेंगे। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। बंद कर दो इसे। शाम को 6 बजे, कल एक्चुअली